हेलो ऑल, माय नेम इज़ प्रीतम कुमार और मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं अबाउट फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रिज़ल्ट कि क्यों अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। द मेन रीज़न इज आप अगर पॉइंट नंबर 19, 20 और 21 देखेंगे तो यहां पे कुछ एग्ज़ाम्स अब होने जा रहे हैं जो कि नहीं हुए हैं। तो अभी तक जो मेन कारण है रिज़ल्ट डिले होने का वो ये है कि जो रिज़ल्ट पेंडिंग है उसका कारण ये है कि जो एग्ज़ाम था कुछ नॉर्थ जोन में, जैसे कि स्टेट लाइक जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे आर्टिकल 35A एंड सेक्शन 370 को लेकर बहुत दिनों से वहाँ पे बैन चल रहा था, वहाँ पे सब चीज़ें ठप थी, तो वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन नहीं हो पाया था। तो वो एग्ज़ामिनेशन अब होने जा रहे हैं, तो जैसे ही वो एग्ज़ामिनेशन ख़त्म होगा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रिज़ल्ट दे देगा। सो मेरे हिसाब से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक, मोस्ट प्रोबली फर्स्ट वीक और अगर लेट होता है तो सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर तक तो रिज़ल्ट दे ही देगा। इसके रिगार्डिंग मैंने उनके HR डिपार्टमेंट को मेल भी डाला हुआ है, जैसे ही उस मेल का रिप्लाई आता है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और जैसे ही वो आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको फटाफट उसका पता लग जाएगा। एंड अगर और भी किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको क्यूरीज हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। रिसेंटली मैंने करंट अफेयर सीरीज़ भी स्टार्ट किया है फॉर RRBPO क्लर्क एंड RRBPO मेंस। सो अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर नहीं आता है आप हमें डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताएं कि क्या और वीडियोज़ में किस टॉपिक पर बना सकता हूँ। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो धन्यवाद।